जब भी आपको झटपट से भुजिया बनाने का मन करे तो एक बार आप इस सब्जी को जरूर बनाइए, आलू बैंगन और टमाटर का इतना टेस्टी भुजिया। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी रसोई। आज हमारे दोस्तों बैंगन आलू और टमाटर बहुत ही टेस्टी सा भुजिया मैं बनाकर दिखाऊंगी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो इधर मैंने बैंगन टमाटर लहसुन हरी मिर्ची दो प्याज और आलू ले ली हूँ और इधर आलू को मैं काट ली हूँ इस तरीके से देख सकते हैं। आलू हमारा बड़ा साइज का नहीं है, छोटा छोटा है, इसलिए मैं इसका छिलका नहीं उतारी हूँ। तो मैं उसी तरीके से काट, अगर आपका हो तो आप छिलका उतार लीजिएगा और इसका स्लाइसिस आप बदला कीजिएगा आलू का। तो मैं बैंगन को आपको काट के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको काटना है। तो देख सकते हैं मैं इसको बैंगन को लंबे से लंबे स्लाइसिस में काट रही हूँ इस तरीके से। तो आपको जैसा मन हो आप वैसा शेप बैंगन का कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बैंगन को काट रही हूँ। तो आलू का स्लाइसेस आप पतला रखिएगा और बैंगन का इस तरीके से, क्योंकि बैंगन जल्दी पक जाता है और आलू को पकने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आप बैंगन को थोड़ा बड़ा मोटा रखिएगा और आलू का पतला रखिएगा। तो देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने सारे बैंगन आलू को काट ली हूँ और इधर मैं हरी मिर्ची लहसुन और दो प्याज, जिसको एक प्याज को मैं चार टुकड़ा की हूँ। तो सभी चीज़ हमारा रेडी है, चलिए इसको फटाफट से स्टार्ट करता है। टमाटर को मैं अभी नहीं काटी हूँ, उसको बाद में जब डालूँगी तब काट लूँगी। तो इधर हमारे चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल करीब 4 चम्मच के करीब। तो तेल हमारा, कढ़ाई हमारा अच्छा गर्म था तो तेल डालने के साथ ही गर्म हो गया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा सौंफ सरसों और कलौंजी और मेथी दाना, पाँचों चीज़ मिक्स था इसमें। उसके बाद अच्छे से चटक गए हैं तो मैं इसमें डाली हूँ एक तेज पत्ता तोड़कर लहसुन हरी मिर्ची और प्याज। प्याज को हम भून लेंगे जब तक इसका स्लाइसिस नहीं खुल जाता है। तो देख सकते हैं भूनते भूनते हमारे प्याज का स्लाइसिस खुल गए हैं। इनको और हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इतना ही हमको भूनना है प्याज का, जितना कि इसका कलर चेंज हो जाए। देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा प्याज भून कर रेडी है। पूरी मिर्ची डालेंगे आलू और बैंगन दोनों को एक ही साथ डालेंगे, जिसको हम डालने के बाद अच्छे तरीके से चला लेंगे। धीमे धीमे आँच को हम इसको मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और आलू बैंगन अच्छे से पकना चाहिए। तब तक हम इसको ढककर भून लेंगे, बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। तो देख सकते हैं आलू बैंगन हमारा अच्छे से भून गए, इसका कलर भी अच्छा चेंज हो गया है। तभी इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच के करीब। देख सकते हैं नमक 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/2 चम्मच से भी कम और उससे भी कम सब्जी मसाला, ये इसमें होता है अदरक लहसुन और सूखा मिर्ची। तो आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो और भी आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही क्योंकि बच्चे को मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तब एक बार इस तरीके से जरूर बनाएंगे। देख सकते हैं हमारे सभी मसाला डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँ ताकि हमारा मसाला अच्छे से पके और जले। इसको हम ढककर करीब 5 मिनट तक और पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे तरीके से। और लास्ट में मैं डालूँ टमाटर। टमाटर को हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, टमाटर को मैं मोटे मोटे और लंबे स्लाइस में काटेंगे। इस तरीके से आलू आलू अभी हमारा अच्छे से नहीं पके हैं, 50% हमारा आलू बैंगन पक गए हैं। उसके बाद ढककर और हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं आलू बैंगन हमारा अच्छे से रेडी है। टमाटर भी गल गए हैं, ज़्यादा हम इनको नहीं गलाएंगे, इसीलिए देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं और बैंगन तो और भी अच्छे से पक गए, देख सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से चलाने के बाद इसको हम 2 मिनट तक और कढ़ाई के चारों तरफ फैलाकर
इसको हम पकाएंगे। और टमाटर भी देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पकता है। इसको हम कढ़ाई के चारों तरफ फैलाकर 2 मिनट तक धीमी आंच में सेक रहे हैं ताकि जो भी ये चिपचिपा है वो सूख जाए और थोड़ा हमारा सब्जी खिला खिला बने। इसलिए तो देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं। आप इसे रोटी चावल पराठा ना किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लीजिए हमारा सब्जी एकदम से बनकर तैयार है। मैं इनको निकाल रही हूँ। तो इसे गर्मा गर्म साफ कीजिए और इसे लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है वीडियो में एक नई रेसिपी से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम। और देखिए कितना अच्छा हमारा बैंगन आलू पका है, देख सकते हैं।